यजमान 20 अप्रैल को सबसे शुभ मुहूर्त है। ग्रहों का ऐसा संयोग 100 सालों में एक बार होता है। अगर इस शुभ मुहूर्त पर आपने अपने बच्चों की शादी की तो समझिए जिंदगी भर बस मौज ही मौज रहेगी। साक्षात ईश्वर कृपा करेगा इस शादी पर। कुछ इसी तरह की बातें कहकर ब्राह्मण पुजारी ने राहुल और नेहा की शादी का शुभ मुहूर्त निकाला था, लेकिन राहुल और नेहा की जिंदगी में अब तक शुभ मुहूर्त आया ही नहीं। कोरोना महामारी की वजह से उन्हें अपनी शादी टालनी पड़ी। दिल के अरमान बस लॉकडाउन में बह गए। यूं तो अपनी पोथी पत्री देखकर ब्राह्मण पुजारी ने दोनों का नक्षत्र दोष दूर करने का भी दावा किया था। पंडित जी ने पूरे 51,000 रुपए लेकर कोई खास पूजा भी कराई थी। वो ब्राह्मण जब अपनी चुटिया हिलाते हुए मंत्रोच्चारण करता था तो ऐसा लगता था कि मानो सौर मंडल के सारे ग्रह अपनी दिशा बदल लेंगे। इतने पहुंचे हुए पंडित जी ने शादी का शुभ मुहूर्त निकाला तो फिर चिंता की क्या बात, लग गए सब शादी की तैयारियों में। लेकिन फिर अचानक हर तरफ कोरोना का शोर सुनाई देने लगा। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, इन चार शब्दों ने पूरी दुनिया की दशा दिशा बदल डाली। मोदी जी आए और 21 दिन का लॉकडाउन कहकर निकल लिए। राहुल के पापा ने फिर से ब्राह्मण पंडित को फोन लगाया। महाराज, मैं राहुल का पापा बोल रहा हूँ, ये कैसी मुश्किल आन पड़ी है, घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया, अब 20 अप्रैल को बच्चों की शादी कैसे करेंगे। दूसरी तरफ से पंडित बोला, अरे यजमान, आप काहे को टेंशन लेते हो, हमें पहले ही कोरोना संकट का भान हो गया था, इसीलिए तो मुहूर्त 20 अप्रैल को निकाले हैं। लॉकडाउन तो 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, फिर आप मेरे बताए शुभ मुहूर्त पर धूमधाम से शादी कीजिएगा। राहुल और नेहा के पापाओं ने एक बार फिर से इस ब्राह्मण पुजारी की भविष्यवाणी पर यकीन कर लिया। लॉकडाउन में भी सिफारिश लगवा के शादी की कुछ तैयारियां होती रही। राहुल और नेहा को भी लगा कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और फिर बजेगी हम दोनों की शादी की शहनाई। राहुल और नेहा अपना क्वारंटीन टाइम एंजॉय करने के लिए बस मरे जा रहे थे। जनवरी में जब पंडित ने 20 अप्रैल का शुभ मुहूर्त निकाला था, तभी राहुल ने घर वालों को बिना बताए अंडमान निकोबार का हनीमून पैकेज बुक करा लिया था। यूं तो राहुल और नेहा की अरेंज मैरिज हो रही थी, लेकिन दोनों ने पहले फोन पर और फिर रेस्टोरेंट में मिल मिलकर सच्चा प्यार कर लिया था। ये दोनों अपने हसीन ख्वाब देख ही रहे थे कि मोदी जी 14 अप्रैल को फिर से प्रकट हो गए और इस बार लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया। हाय, ये क्या हो गया, अब शादी कैसे होगी, राहुल के पापा ने रुआसी आवाज में कहा। लेकिन फिर राहुल के पापा को तुरंत गुस्सा भी आ गया। उसने शुभ मुहूर्त निकालने वाले पुजारी पर भड़ास निकालने के लिए तुरंत कॉल किया। पहले मोबाइल की घंटी बजी और फिर ब्राह्मण पुजारी ने शुभ मुहूर्त देखकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। सुबह से बीसियों बार राहुल और नेहा के पापा उस ब्राह्मण पुजारी को कॉल कर चुके थे, लेकिन 20 अप्रैल को सबसे शुभ मुहूर्त निकालने वाले पुजारी अब दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती हैं। दरअसल शुभ मुहूर्त देखकर कोरोना ने पुजारी को पकड़ लिया। असल में हुआ यूं कि लॉकडाउन में भी पंडित जी अपनी पंडिताई चोरी छुपे कर रहे थे। बस उसी दौरान एक यजमान थूक लगे हुए पैसे दे गया, फिर क्या था, तीनों लोगों को अपने मंत्रों से काबू करने वाले ब्राह्मण पुजारी खुद ही अस्पताल पहुंच गए। अब पुजारी वैदिक ज्ञान से इलाज कराने की बजाय आरक्षण से MBBS की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर ही असली भगवान है। वहीं दूसरी तरफ एक महाज्ञानी ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज खुद अपने हाथों से खाना बनाकर 11 ब्राह्मणों को खिलाएगा तो वो कोरोना दोष से मुक्त हो जाएगा। इस महाज्ञानी की कोई भी बात झूठी नहीं निकली है, लेकिन संसार के कल्याण की खातिर भी कोई ब्राह्मण पुजारी ये खास अनुष्ठान करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा। वहीं राहुल और नेहा के पापा लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो एक बार फिर से किसी ब्राह्मण से अपने बच्चों की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा सकें। वैसे राहुल और नेहा की फैमिली दलित है, पढ़ी लिखी भी है और बाबा साहब के दिए आरक्षण की बदौलत अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी भी करते हैं। राहुल और नेहा भी बाबा साहब के दिए आरक्षण का फायदा उठाकर सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। राहुल ने तो नौकरी लगने के बाद माता का जागरण भी करवाया था, इसीलिए तो हम कहते हैं
दलित होने से क्या होता है, आदमी का अंबेडकरवादी होना जरूरी है। अब आप भी शुभ मुहूर्त देखकर इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को दक्षिणा देने के लिए हमारी मासिक मेंबरशिप भी ले लो। ब्यूरो रिपोर्ट, दशूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें दशूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।